थाने जिले के अंतर्गत आने वाले डोंबिवली की रेलवे पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो फर्जी टीसी बनकर लोकल ट्रेन के यात्रियों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। रेलवे पुलिस के मुताबिक डोंबिवली से कलवा रेलवे स्टेशन के बीच लोकल ट्रेन के यात्रियों से आरोपी टीसी बनकर अवैध तरीके से जुर्माना वसूल रहा था। गिरफ्तार आरोपी का नाम विजय बहादुर सिंह बताया जा रहा है, जो नवी मुंबई के एरोली इलाके का रहने वाला है, जबकि उसका मूल गाँव जौनपुर उत्तर प्रदेश है। दरअसल दीवा, कोपर, कलवा और डोंबिवली स्टेशन के बीच लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों ने फर्जी टीसी द्वारा अवैध रूप से जुर्माना वसूलने को लेकर स्टेशन मैनेजमेंट कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। वही स्टेशन मैनेजमेंट ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो संदिग्ध अवस्था में गुम रहे कथित व्यक्ति को अपने हिरासत में लिया। पुलिस ने इसकी सूचना मुख्य टिकट निरीक्षक प्रमोद सरगैया को दी तो उन्होंने बताया कि विजय बहादुर सिंह नाम का कोई भी टीसी कार्यरत नहीं है, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से नकली पहचान पत्र भी बरामद किया है, जिसके जरिए वे यात्रियों से जुर्माना वसूल रहा था। फिलहाल आरोपी डोंबिवली रेलवे पुलिस की हिरासत में है, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। रेलवे पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आरोपी ने कितने यात्रियों से फर्जी तरीके से जुर्माना वसूला है। या गुन्ह्यातील फिर्यादी जे मुख्य तिकीट निरीक्षक आहेत, ते कसा त्यांची ड्युटी संपवून कसारा लोकलने CST फास्ट लोकलने प्रथम वर्गाच्या डब्यातून प्रवास करत असताना गाडी जेव्हा डोंबिवली रेल्वे स्थानकात आली, त्यावेळेला यातील आरोपी तिस्माने प्रथम वर्गाच्या डब्यात प्रवेश करून इतर प्रवाशांकडे तिकिटाची मागणी केली व त्यांच्यावर दंड वसूल केला जाईल असं बतावणी केली। त्याच्यावरून फिर्यादीला संशय आला, त्यांनी त्याचं ओळखपत्र वगैरे तपासलं, त्यावेळेला तो बनावट TC असल्याचं लक्षात आलं। सदरचा प्रकार ते दिव्याला उतरून केला असल्यामुळे ते ठाणे रेल्वे पोलीस ठाण्यात गेले व तिथून प्रकरण वर्ग होऊन डोंबिवली रेल्वे पोलीस ठाण्यात आले। सदर प्रकरणात गुन्ह्यात आरोपीला अटक केलेला आहे, त्याला पोलीस कोठडी घेण्यात आलेली आहे। तपासामध्ये ही बाबा